आकर्षित हुए। पूजा के त्योहार के लिए कपड़े खरीदने ही थे, इस हेतु उन्होंने आरसीएम ज्वाइन कर ली। दो बच्चों में अनिंदया बड़े हैं और इकलौते पुत्र हैं, इसलिए पिताजी चाहते थे कि अनिंदया पढ़ लिख कर बड़े सरकारी अफसर बने। उन दिनों अनिंदया बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे थे, तभी पड़ोसी एनएच खान मिले और उन्होंने आरसीएम के बारे में बताया। अनिंदया आरसीएम के प्रोडक्ट एवं कपड़ों से काफी आकर्षित हुए। पूजा के त्योहार के लिए कपड़े खरीदने ही थे, इस हेतु उन्होंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। लेकिन आरसीएम की पहली सेमिनार अटेंड करने के बाद ही अनिंदया आरसीएम में सीरियस हुए। पहली सेमिनार में टाइम, मनी एवं सिक्योरिटी से प्रभावित होकर उन्होंने आरसीएम के लिए घर वालों से छुपकर काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद घर वालों को पता चला तो उनके पिताजी बहुत नाराज हुए। पिताजी इस तरह के बिजनेस को देखना और समझना नहीं चाहते थे। अनिंदया पिताजी को समझा नहीं पा रहे थे। पिताजी ने चेतावनी दी, या तो आरसीएम या फिर घर। अनिंदया उस समय संकट के दौर से गुजर रहे थे, ना चाहते हुए भी घर छोड़ना पड़ा। संघर्ष बढ़ने लगा, दोस्तों ने घर में रहने की जगह दी, परंतु ज्यादा पैसा आरसीएम से आता नहीं था, खाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता था। कई रातें उन्होंने बंगाल का सबसे सस्ता खाना मूढ़ी खाकर गुजारी। मेहनत रंग लाने लगी और सन 2004 में अनिंदया रॉयल्टी पर पहुंचे। माता पिता को गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अनिंदया को फिर से घर पर बुला लिया। सन 2006 में अनिंदया टेक्निकल पर पहुंचे और साथ ही उनकी किस्मत भी पलटी। सन 2006 में अनिंदया ने चुमकी के साथ विवाह किया। चुमकी ने अनिंदया का हमेशा साथ दिया। आज वे अपनी पत्नी, बच्ची एवं परिवार के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनिंदया लग्जरी कारों के मालिक हैं और अपने स्वयं के मकान में रहते हैं। अनिंदया मिश्रा को इस वर्ष की सबसे बड़ी फिल्म स्टार रूबी से सम्मानित किया जा रहा है।
क्या इनकम की जरूरत है? आप सीने पे हाथ रख के बोलिए, यहां बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, आश्चर्य की बात ये नहीं है कि एक रुपया कीमत है, आश्चर्य की बात है कि मार्केट में दो रुपया में मिलता है उसमें 5 ml होता है, आश्चर्य में सात ml। मुझे लीज सिस्टम में जबरदस्ती, यहाँ में भी बहुत सारे लोग बैठा होगा जिसको जबरदस्ती आकर में ज्वाइन कराया, हकीकत है ना? हेलो, एकदम हकीकत है, 100% कोई अपना मर्जी से आर्टिस्ट ज्वाइन नहीं करता, किसी का रिश्तेदार, किसी का दोस्त है, किसी का भाई बंधु, उसको जबरदस्ती सिस्टम में लाता है। हमको भी जबरदस्ती लाया क्योंकि मैं इतना नेगेटिव आदमी था, जिसने मुझे आर्टिस्ट का प्लान दिखाया था उसको मैं, मेरा दोस्त था, दोस्त में तो वो गाली भी चलता है ना, उसको गाली देके भगा दिया था। फिर ऐसे ही माहौल में हमको 13 दिन बाद फिर मिले और बोला कि आज लास्ट बार बोल रहा हूँ, आज का बाद तुमको जिंदगी में कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम अपने काम से खुश थे। सभी कोई अपने अपने काम से खुश है। जय अरसेव, मैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल चांगलांग से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम मंजू पुन है। मैं साल भर हुए ज्वाइन हुआ वाला, मैं ईगल पिन में हूँ। जोरदार ताली अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट से। जय सिया बोला बोलूंगा मोरा, मैं पेनी को आई हूँ, मोर ईगल पिन, ईगल पिन पर एक जोरदार ताली। जय सिया, मेरा नाम मीना सुनार है, मैं सांगलांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं 4 महीना से हूँ और अभी स्टेट का पिन हूँ। नमस्कार, मोर नाम पल्लवी ने, मैं कागजपत्र डियागर पर आई हूँ, मैं ओपेनर पिन लूँ। मैसेज यही है कि हम सब मिलके एक नया क्रांति ल